तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों का जो गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो भाई देखो, जब आप लोग गेम प्ले करते हो उस टाइम पे अगर आप लोग का मोबाइल लैग करता है या फिर आप लोग का मोबाइल हीट करता है या फिर आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम आती है या फिर आप लोग गेम से ऑटोमेटिक बैक हो जाते हो या फिर आप लोगों का ऑटोमेटिक ही पिंग आ ही रहता है या फिर आप लोगों के बन टैप नहीं पड़ते हैं या फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है। अरे बस कर भाई। तो अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो यहाँ पर जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई उन प्रॉब्लम में से आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस मेरी तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, आप लोगों को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो भाई बिना किस टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिवअवे और चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो भाई अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जाना है। कमेंट बॉक्स जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना, तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। एक छोटी सी बात और कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसा बोल रहे थे कि मनु भाई तुम फेक गिवअवे कर रहे हो, तो मेरे भाई देखो ना तो मैं तुमसे कोई पैसे वैसे मांगता हूँ ना ही मैं तुमसे तुम्हारे कोई आईडी पासवर्ड मांगता हूँ। मैं बस आपको इतना बोलता हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना है। आई होप कि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले पहले नंबर की प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। आप लोगों के लिए एक एक सेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर जो आपको सेटिंग बताऊँ पहले उनको समझ लेना, उसके बाद आप लोग गेम में जाके वो ट्राई करना है। तो भाई सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम होता है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के अंदर आप लोग को दो सेटिंग देखने को मिलती है, एक तो होता है आप लोग का क्लियर कैच और दूसरा होता है आप लोगों का सेंड रिपोर्ट। तो मेरे देखो जब भी आप लोग दिन का पहला गेम खेलो या फिर आप लोगों ने गेम लॉग आउट करके वापस से लॉग इन किया, एक बार आप लोग को बेसिक सेटिंग के अंदर जाके क्लियर कैच और सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब ऐसा करने से क्या होता है कि आप लोग गेम के अंदर कई बार ग्लिच आ जाते हैं, जिससे आप लोग का ऑटोमेटिक पिंग हाई हो जाता है या फिर आप लोग का ऑटोमेटिक लैग करने लग जाता है, फिर आप लोग गेम से बैक कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग क्लियर कैच और सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी। तो भाई ये तो कही आप लोग की पहली प्रो सेटिंग। अभी हम बात करते हैं सेकंड प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो भाई सेकंड प्रो सेटिंग के लिए आप लोग को अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग को सेटिंग के अंदर आना। सेटिंग के अंदर आप लोग जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक सेटिंग देखने को मिलती है जिसका नाम होता है FFmax। FFmax पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग ओपन होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी सेटिंग दिख रही है सारी सेटिंग को आप लोग को ऑफ पे और क्लासिक पे सेट कर देना है। लेकिन आप लोगों को इसमें एक सेटिंग और देखने को मिली जिसका नाम होता है HD टेक्सचर, तो उसे आप लोगों को ऑन रहने देना है और बाकी जितनी भी सेटिंग है उन सभी को ऑफ कर देना। अब बाकी की सेटिंग आप लोगों को ऑफ इसलिए करनी है क्योंकि आप लोगों का मोबाइल लैग नहीं करेगा, और आप लोगों को HD टेक्सचर ऑन इसलिए करना है क्योंकि अगर आप लोगों का मोबाइल लैग करता है तो HD टेक्सचर ऑन करने के बाद आप लोगों का मोबाइल नाक के बराबर लैग करने लगेगा। तो ये तो आप लोगों की सेकंड प्रो सेटिंग। अभी हम करें तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो इसके लिए आपको वापस से अपने फ्री फायर गेम के अंदर आना। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग और देखने को मिलती है जिसका नाम होता है ग्राफिक सेटिंग। ग्राफिक सेटिंग के अंदर आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स। ग्राफिक सेटिंग को आपको थोड़ा ध्यान समझना है। तो मेरे देखो अगर आप लोगों के मोबाइल क्रैम 2GB, 3GB या फिर 4GB तब तो आप लोग कर देना इसे स्मूथ पे सेट। लेकिन अगर आप लोगों के मोबाइल क्रैम 6GB है तब आप लोग कर देना इसे स्टैंडर्ड पे सेट। लेकिन अगर आप लोगों के मोबाइल क्रैम 8GB, 12GB या फिर 12GB प्लस है तब आप लोग कर देना इसे अल्ट्रा पे सेट। लेकिन आप लोगों को एक गलती कभी नहीं करनी कि यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन दिया जाता है मैक्स वाला, तो आप लोगों को मैक्स वाली सेटिंग कभी भी ऑन नहीं करनी है। अगर ग्राफिक सेटिंग के अंदर आप लोगों को एक चीज और करनी है कि अगर आप लोग इन चारों सेटिंग में देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग और देखने को मिलती है जिसका नाम होता है हाई FPS। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं नॉर्मल और हाई। आप लोगों के मन में कंफ्यूजन ये रहता है कि हमको नॉर्मल पे सेट करना चाहिए पर हमको हाई पे सेट करना चाहिए। तो मैंने देखो अगर आप लोगों के मोबाइल क्रैम 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB कोई सा भी मोबाइल हो, ठीक है, आप लोगों को हमेशा इसे हाई पे ही सेट रखना है, आप लोगों को हाई FPS। तो ये तो आप लोगों की तीसरी प्रो सेटिंग। अभी हम बात करते हैं चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात, कि आप लोगों को चौथी सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर कौन सी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसे लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अब देखो मैं आपको दूसरे यूट्यूबर की तरह कोई कसम बसम तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अभी बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो जल्दी से नीचे एक शेयर जाओ और फटाक से लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पर एक साथ प्रेस कर देना। तो चलो अभी हम बात करते हैं चौथी प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो यहाँ पर जो चौथी सेटिंग है उसके लिए आपको वापस से फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाना है। फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग वाला। अब रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन के अंदर आप लोगों को ऑन ऑफ करने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इन सारे के सारे ऑप्शन को आप लोगों को
ऑफ पे सेट कर देना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्हें ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इनको ऑन करके गेम खेलोगे तो उस टाइम पे आप लोगों का जो गेम है वो बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होता है, जिससे कि आप लोगों का मोबाइल काफी ज्यादा लैग करेगा और काफी ज्यादा हीट करेगा। तो आप लोगों को ये सारी की सारी सेटिंग ऑफ पे सेट कर देनी है। इसके साथ ही आप लोगों को इसमें एक सेटिंग और देखने को मिली जिसका नाम होता है ग्राफिक्स क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, लो, मीडियम और हाई। तो मैंने देखो अगर आप लोगों के पास लो डिवाइस है तब तो आप लोगों को कर देना इसे लो पे सेट, लेकिन अगर आप लोगों के पास मीडियम डिवाइस है फिर हाई डिवाइस है तब आप लोगों को इसे रखना है मीडियम पे सेट। आप लोग कभी भी हाई वाली ग्राफिक्स क्वालिटी सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों का मोबाइल है वो चाहे कितना भी जीबी रैम का वो पूरा का पूरा लैग करने ही लगेगा, यानी कि आप लोगों का मोबाइल में बाद में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। तो इसलिए आप लोग को हमेशा इसे मीडियम पे सेट रखना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं पांचवी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो इसके लिए आप लोगों को प्रीपेयर की सेटिंग के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है नेटवर्क। तो जैसे कि आप लोग नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑन और ऑफ। अब आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें इसे ऑन करना है या फिर हमें इसे ऑफ करना है। तो क्या देखो आप लोगों को हमेशा इसे ऑन पे सेट करना है। ऑन पे सेट क्यों करना है, क्योंकि आप लोग कभी कभी वाईफाई पे गेम खेलते हो या फिर कभी कभी हॉटस्पॉट लेते हो अपने दोस्त का, या फिर आप लोग कभी कभी नेटवर्क पे भी गेम खेलते हो तो कई कई बार आप लोग का बीच बीच में हॉटस्पॉट ऑफ हो जाता है, तो आप लोग अपने मोबाइल के डाटा से भी चला लेते हो। अगर आप लोग का डाटा ऑफ हो जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग का ऑटोमेटिक वाईफाई से भी चल जाएगा। तो आप लोग को हमेशा ये वाली सेटिंग ऑन पे सेट करके रखनी है। अगर आप लोग को फ्री फायर के अंदर फ्री में दो डायमंड चाहिए तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, लेकिन तुम सभी से मैं वापस से रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, देखो हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।